सिर्फ चंद सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद रानू मॉडल की किस्मत ऐसे बदली कि वो अब मशहूर हस्ती बन चुकी है। रानू की आवाज के लोग मुरीद हो चुके हैं और लगातार उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इस बीच रानू मॉडल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रानू ने अपने फैन को ऐसी बात कह दी जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। इस वीडियो में सीधी और शांत दिखने वाली रानू ने अपने प्रशंसक को एक सेल्फी खिंचवाने के लिए कहा तो वो भड़क उठी। इस वीडियो में अब आप देखेंगे कि रानू मॉडल चारों ओर लोगों से घिरी हुई है। रानू कहीं और देख रही होती हैं और एक महिला प्रशंसक आती है। महिला रानू का हाथ पकड़ती है और सेल्फी खिंचवाने को कहती है। महिला के हाथ पकड़ते ही रानू भड़क जाती है और महिला को डांटने लगती है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रानू मंडल महिला प्रशंसक से कह रही हैं कि आपने मुझे छुआ कैसे, मैं अब एक सेलिब्रिटी हूं। वीडियो में रानू काफी गुस्से में नजर आ रही हैं, जो कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। रानू महिला प्रशंसक को कह रही हैं कि इस तरह से छूने का मतलब क्या है। हालांकि महिला प्रशंसक रानू की बात का बुरा नहीं मानती और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। रानू का महिला प्रशंसक के साथ किया ये बर्ताव लोगों को पसंद नहीं आया और रानू को वो ट्रोल भी कर रहे हैं। रानू पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना भी गाया करती थी। अतीन्द्र नाम के शख्स ने रानू का वीडियो रिकॉर्ड किया और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। रानू का जिस वक्त पहला वीडियो सामने आया था उनकी हालत खस्ता थी, बिखरे बाल, फटी हुई साड़ी और रानू को जिसने भी वीडियो में देखा वो सन्न रह गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रानू की आवाज़ तो माने हर तरफ सुनाई देने लगी। रानू को सिनेमा जगत के जाने माने गायक अभिनेता हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाना गाने का ऑफर दिया। रानू के पहले गाने तेरी मेरी कहानी का रिकॉर्डिंग का एक वीडियो हिमेश ने साझा किया था। इसके बाद रानू ने हिमेश के लिए कई गाने गाए। रानू अपने पश्चिम बंगाल वाले पुराने घर में ही रहती हैं। हाल ही में एक पोस्ट कर ये जानकारी दी गई कि रानू अपनी बायोपिक पर काम कर रही हैं। रानू की बायोपिक को फिल्मकार ऋषिकेश मंडल डायरेक्ट कर रहे हैं। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।